Assalamualaikum. I hope everyone is doing great. Welcome to another episode of Unexplored Place in Kashmir. Welcome to the Valley of Marwa. ये पुरसकून हवाएं और ये पुरसकून वादी, वेलकम टू द वैली ऑफ मड़वा। तो गाइस, अगर आप इस खूबसूरत सी दुनिया के हिस्से में आना चाहते हैं, आपको गाड़ी साउथ ऑफ कश्मीर अनंतनाग, टू बी प्रिसाइज लारनू या वैलू से मिलेगी, जो आपको मड़वा तक 5 या 6 घंटे लगेंगे। इससे पहले मैंने कंप्लीट वीडियो रोड ट्रिप टू मड़वा बनाया, लिंक ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें पूरी डिटेल है कि रोड कैसा है, कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो लेट मी टेल यू द यूएसपी ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। जो बैकड्रॉप में आप ये पहाड़ देख रहे हैं, जो बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी, दिस इज़ लाइक ट्रैक लवर्स पैराडाइज। यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं किश्तवाड़ वाया बाजपत्री, और थोड़ा सा मैं अगर अपने कैमरा को पैन करूँ, एग्जैक्टली ये वाली चोटी, यहाँ से आप कश्मीर के खूबसूरत सी वादी में जा सकते हैं, फार्मर वैली करके, जहाँ तक आपको 5 या 6 घंटे लगेंगे। तो गाइज, लेट मी पैन माई कैमरा दिस साइड। तो ये वाली जो घाटी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं जांसकार वाया नून खनू, जिस पास का नाम क्या है, चुंगलुंगू पास, ओह चुलुंगो पास। तो वह 3 या 4 दिन का ट्रैक है। अगर मैं कैमरा को पैन इस साइड करूं, ये वाली घाटी, यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं सांगू कारगिल या पहलगाम वाया सखनई वाया वर्डवन। सो गाइज, दिस प्लेस इज़ लाइक ट्रैक लवर्स पैराडाइज। अगर आप यहां आना चाहते हैं, इस जगह पे आना चाहते हैं, मेक श्योर आप अपनी कैंपिंग साथ करके आए, क्योंकि 5 या 6 दिन का आपका ये ट्रिप हो सकता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता है आपसे, तो गाइज यहाँ पे डाक बंगलोज हैं, आप स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। अगर इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, पीपल हियर आर अमेजिंगली हॉस्पिटेबल, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। सो गाइज, लेट मी टेक यू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी, लेट्स गेट दिस ब्यूटीफुल स्टार्टेड। चोटी हमें ट्रैक करनी है, और इस चोटी से पूरे मड़वा का व्यू, मड़वा वैली का व्यू आपको दिखाई देगा। इट्स क्वाइट अ टफ टास्क गाइस, आप देख सकते हैं स्टीप, बहुत टफ है। विश मी ऑल द बेस्ट, विश मी लक। Made it to the summit. Woohoo! Yes. Come on. Yes. So I need to jump, huh? You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. तो गाइज, क्या ट्रैकिंग से थक गए थे, बेहाल हो गए थे, और क्या ये जगह मुझे मिली, नेचुरल सनबेड जिसे कहते हैं ना, अमेजिंग मैन। और पीछे से आप व्यू देखिए यार, क्या ज़बरदस्त है। सो माड़ू सुधर है दरिया का नाम। आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड, रिज्यूनेटेड। और पीछे से अगर मैं आपको बैकड्रॉप में दिखाऊं, ज़बरदस्त जगह है। तो ट्रैकिंग से बुरा हाल हो चुका था, और इससे बेहतर जगह एक नेचुरल सन बेड
आराम करने के लिए दरिया के किनारे कहाँ मिलेगा आपको। सो दैट इज़ लाइक द ब्यूटी ऑफ दिस अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, क्योंकि आप खुद सरप्राइज हो जाते हैं ऐसी खूबसूरती देखकर। तो मैं तो आई एम लाइक रियली ब्लोन अवे बाय दिस ब्यूटी। अभी थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि ट्रैक अभी और बाकी। जनाब कोहिरबट कॉलम, सो दे आर लाइक बेरीज जो आपको जंगल में ही मिलेंगी। बड़ी स्वीट टेस्ट रहता है इनका और बहुत कलरफुल हो जाते हैं, आप देख सकते हैं लिप्स भी कलरफुल आपके हो जाएंगे। और इनका सीज़न यही रहता है जून जुलाई, जब आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। You'll always be my night sky. Guys, this is a piece of paradise. एक ऐसी जगह वादी है मड़वा में जो बार बार मुझे खींचती है अपनी तरफ। I'm totally loving this place. This is an amazing and एक जबरदस्त किस्म की जगह है, आप देख सकते हैं। Wow man. लाइक 2 घंटे ट्रैकिंग हमें लगे मड़वा से यहाँ तक पहुँचने में, और आप बिल्कुल भी थकावट आपको महसूस नहीं होगी जब आप ऐसी खूबसूरत जगह में होंगे। सो गाइस, दिस काइंड ऑफ प्लेसेस यू शुड विजिट, यू शुड एक्सप्लोर। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि आपको ऐसी जगहें पसंद आएंगी। हमें एक ठिकाना मिला थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो सनस्ट्रोक का थोड़ा खतरा था। तो हमें थोड़ा सा वो ट्रैक करना है, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यार किस पे मैं बैठा हूँ, क्या ज़बरदस्त है। दिस इज़ लाइक अमेजिंग। आई एम सिटिंग ऑन अ ग्रास, क्योंकि ये लोग अपनी जहाँ पर इनका ठिकाना होता है टेम्प्रेरी इंट्रांजेंट रहते हैं, तो ये चीज़ें रखते हैं, देख सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक द कारपेट, ग्रीन कारपेट, सो वी आर रियली लविंग इट। सर, आर यू लविंग इट? तो एक्चुअली हम गुलाम हसन साहब के यहाँ डेरे पे रुके थे, उन्होंने चाय के लिए कहा था, तो हमारा सब सामान हमें साथ था। उनकी मेहमान नवाजी देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखो इन्होंने पनीर सामान थे सुना कशिर, तो ये हमें दी है। सो दैट इज़ लाइक द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस मैन। थैंक यू गुलाम हसन साहब, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, पीपल आर सो वेलकमिंग।
सकते हैं हम, बिल्कुल आप देख सकते हैं दरिया के बिल्कुल नज़दीक है। ये बहुत एक फेमस दरिया है यहाँ का जिसका नाम माड़ूसुदूर है। तो माड़ूसुदूर आगे जाके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब बनता है। इसरा राजा, तो चिनाब दरिया हम सब जानते हैं बहुत फेमस है। तो अभी हम एक्चुअली जहाँ हम ट्रैक कर रहे हैं तो हमने दरिया का रास्ता पकड़ा क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे दरिया के साथ चलते चलते। और जैसा इसरार ने पहले ही कहा, हमने परमिट ले चुके हैं हम मछली पकड़ने का, तो मड़वा वैली में ट्राउट मछली बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो अभी हम कोशिश करेंगे, जैसे इसरार ने कहा था लंच में हम मछली खाएँगे, सो वी आर होपफुल और हमें उम्मीद है कि हम मछली खाएंगे और हम स्पॉट पर भी पहुंच गए जहां पर हमें मछली पकड़नी है। इसरार, शैल वी डू इट? लेट्स डू इट गाइस। इसरार, लंच का क्या प्लान है? मैंने तो वार्म पकड़ना है। हाँ, लंच का तो वार्म किसके लिए? मछली? ओ, मिल गई मछली के लिए। ये वार्म तो ये लालच देती है मछली को, लालच देती है मछली को, तभी तो मछली आप पकड़ सकते हैं। ओके ओके ओके, इसको हम आप बोतल में डालेंगे, ये रही बोतल, अब इसको हम इसमें डालेंगे। जस्ट डन विद द कुकिंग, खाना बनाया, थोड़ी बहुत मछलियाँ भी पकड़ी। हाँ, वो कम थी, ज़्यादा तो नहीं पकड़ पाए, उनमें भी मज़ा था। तो अभी बस अभी हम खाना खा के चलते हैं। इट्स ऑल अबाउट नो ट्रैकिंग, फूड, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, बीइंग इन नेचर, लविंग नेचर, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कश्मीर एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रैकिंग, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ कश्मीर। एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग मड़वा, फिशिंग हमने की, ट्रैकिंग की, एक चोटी पर चढ़े जो एक डिफ़िकल्ट टास्क था, एंड मेहमान नवाजी आपने यहाँ के लोगों की देखी। सो अगर अभी वीडियो देख रहे हैं, आई बिलीव दिस शुड एनकरेज यू टू विजिट दिस अनहिडन एंड अनएक्सप्लोर्ड प्लेस। अभी शाम का वक्त होना चाहता है, इतना हमने जो एक्सप्लोर किया, वी ट्राइड टू एक्सप्लोर एज मच एज वी कैन। सो दैट इज़ लाइक द ब्यूटी ऑफ अनहिडन एंड अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, कि आप सरप्राइज हो जाते हैं नेचर से, अल्लाह ताला की खूबसूरती से, उनकी नियामतों से। सो आई रियली हैड फन। आई बिलीव यू शुड विजिट दिस पार्ट ऑफ द वैली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, तभी बेस्ट सीजन रहता है, आप ट्रैक कर सकते हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं। इट्स अ रियली अ पीसफुल प्लेस। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, कीप सपोर्टिंग गाइज, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक न्यू स्टफ फॉर यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट प्लेस एंड विद अ डिफरेंट वीडियो, एज वी से इन कश्मीरी, व्यू खुदा सवाल।